तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये बजाज कंपनी का पल्सर 125 यानी 125 सीसी बाइक है। तो फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा कि बजाज का पल्सर बाइक जो आता है, चाहे 125 सीसी है, 150 सीसी है, या फिर 220 है, 180 है, उन सभी बाइक में इंजन से टाइमिंग चेंज से साउंड आने लगता है झरझर झरझर का, और आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता है। उसके लिए हमने एक जुगाड़ लेकर आए हैं ताकि इंजन से टाइमिंग चेंज से जल्दी साउंड ना आए और आप और आपको बाइक चलाने में काफ़ी स्मूथनेस लगे। इसके लिए इंजन के अंदर बिल्कुल एक छोटा काम करना है और इंजन आपका हो जाएगा मस्त मौला मक्खन। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पल्सर बाइक में आपने भी देखा हो कि इंजन से काफ़ी ज़्यादा झरझराहट का साउंड आते रहता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बजाज का पल्सर बाइक में ही रहता है। इंजन से गड़गड़ाहट पड़पड़ाहट झरझराहट का साउंड आता है, टाइमिंग चेन बार बार ढीला हो जाता है, टाइमिंग चेन से साउंड आने लगता है, कैम चेन से साउंड आने लगता है, उसके बाद अगर बात करें तो टैपिट से साउंड आने लगता है, रॉकर से साउंड आने लगता है। तो ऐसा साउंड आप लोगों के बाइक में जल्दी ना आए, इसके लिए आप बाइक में एक बार इंजन एब्रोवल ट्रीटमेंट का आप यूज कीजिए। इसका सर्विस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है, हर एक पार्ट को, टाइमिंग चेन को, कैम चेन को, उसको अच्छा से मेंटेन करके रखते हैं, ल्यूब करके रखता है, क्योंकि इंजन ऑयल 3 से 4 घंटा जब बाइक साइड स्टैंड पर खड़ी रहती है, इंजन ऑयल चैम्बर में आ जाता है, ऊपर से बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है, इंजन में आ जाता है निचले वाले सतह पर। लेकिन उसी की जगह एब्रो इंजन ऑयल दिया रहेगा तो एब्रो इंजन ऑयल जो है ये इंजन को पार्ट को मेंटेन करके रखे, वो ल्यूब करके रखे, उसको ड्राई नहीं होने देगा, सूखा नहीं होने देगा, उसको एनी टाइम ये गीला करके रखेगा। और इसको आप प्रत्येक 10,000 किलोमीटर में एक बार बाइक के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि प्रत्येक सर्विस में डाला है, इसको प्रत्येक 10,000 किलोमीटर एक बार आप बाइक के अंदर डाल सकते हैं। तभी हम इसको डालेंगे बजाज कंपनी का पल्सर बाइक में, चाहे आपके पास पल्सर 125 सीसी है, या फिर 150 सीसी है, 180 है, या फिर 220 है, कोई भी बाइक में आप इसको डाल सकते हैं। एक चेन 50 ml का एक बॉटल आता है, चलिए इसको हम फटाफट से डाल रहे हैं। इसको हम चलिए फटाफट से यहाँ से कुछ इस तरह से इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आसानी से भी ओपन कर सकते हैं, टूट गया कोई भी दिक्कत नहीं यार, कभी कभी टूट जाता है। इसको हम क्या करेंगे, प्लास की मदद से इसको ओपन कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथनेस है, ये हर एक बाइक को कल पुर्जे को ल्यूब करके रखता है। पिस्टू को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, डिपिस्टी को ओपन करने के बाद एक कैन बाइक के अंदर इस तरह से डाल देना है। अगर ये एब्रो वाले एक बार आप यूज कर लीजिएगा तो आपको बार बार मैकेनिक का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, और उसके बाद बार बार आपको इंजन भी ओपन नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं आपके बाइक में कभी जल्दी टाइमिंग चेन का साउंड आएगा, नहीं जल्दी कैम चेन का साउंड आएगा, टैपिट का बिल्कुल साउंड नहीं आएगा, और इंजन आपको मस्त मोला मक्खन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे डिपिस्टी को हमने टेंट कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, इसको बाइक को स्टार्ट करके 4 से 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है, थ्रोटल वगैरह बिल्कुल नहीं देना है, एक्सेलेरेटर बिल्कुल नहीं देना है, आपको पुराना इंजन ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं यूज करना है, नया इंजन ऑयल डालने के बाद ही एब्रो इंजन ऑयल ट्रीटमेंट को आपको यूज कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखो हम बाइक को स्टार्ट करके 4 से 5 मिनट तक छोड़ देते हैं, वैसे ही थ्रोटल वगैरह बिल्कुल नहीं देना है, इससे क्या जो भी एब्रो इंजन ऑयल हम बाइक के अंदर डालें वो इंजन ऑयल में घुल मिल जाएगा, और उसके बाद आप देखिएगा बाइक को चला ड्राइव करके कितना अच्छा लग रहा है आपको बाइक ड्राइव करने में। तो फ्रेंड्स जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको बताया वो पहले से मालूम था नहीं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एब्रो इंजन ऑयल डालने के बाद आप बाइक को ड्राइव करने के बाद एक बार आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा इसका सर्विस कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।